इंदुबुजम आपके पास आएंगे इस वक्त बड़ी अपडेट। सबसे पहले भारत समाचार पर काउंटिंग से जुड़ी हुई अपडेट, मतगणना से जुड़ी हुई अपडेट। घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के हवाले से खबर, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 467 वोटों से आगे है। सबसे पहले भारत समाचार पर यह अपडेट आपको हम बता रहे हैं, घोसी विधानसभा चुनाव की मतगणना से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 4667 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये चौथी राउंड के हवाले से अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले भारत समाचार पर, भारत समाचार एक एक वोटों की गिनती का अपडेट आपको निष्पक्ष तरीके से बता रहा है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 4667 वोटों से आगे चल रहे हैं, चौथी राउंड के हवाले से ये अपडेट सबसे पहले भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है, आपको बता रहा है। घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई, घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और अभी तक चौथे राउंड के काउंटिंग से, मतगणना के हवाले से ये अपडेट है। चौथी राउंड की गिनती में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अभी तक 14,286 कुल वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को अब तक 10,219 वोट मिले हैं। सबसे पहले भारत समाचार पर अपडेट, काउंटिंग लगातार जारी है, मतगणना लगातार जारी है और पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। चौथे राउंड के हवाले से ये अपडेट भारत